वेलकम बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है पोलराइजेशन, जिसमें हमारा सब टॉपिक है ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, यानी एक्चुअल हेडिंग है वहाँ पर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो उसमें लास्ट टाइम में हमने देखा था कि ब्रूस्टर्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो याद करिए ब्रूस्टर्स लॉ था, उसका ये मैथमेटिकल फॉर्म था म्यू इज इक्वल टू टैन पी। तो उस समय में क्या हुआ था कि हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम पर हम कोई ऑर्डनरी लाइट क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर मैं पहले आपको क्या कर देता हूँ, मीडियम वगैरह कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक नॉर्मल ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे आसानी हो थोड़ा सा समझाने में आपको। ठीक है, ये समझो हमारे पास है नॉर्मल, जिसको मैं कह लेता हूँ यहाँ पर समझो MN। ठीक है, फिर एक ऑर्डनरी लाइट यहाँ पर इसके ऊपर क्या करते हम इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, ऑर्डनरी लाइट यहाँ से आने देते इंसिडेंट करते, समझो ये रे AB है जो इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे इसको हम, इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर आपको ये मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लाइट हल्का सा इधर में बेन होगा। अगर हम मान लीजिए कि, क्योंकि रेरर मीडियम में से, मान लीजिए कि रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में एंट्री हो रही है, तो ये आपका होगा रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या होगा आपका, रिफ्रैक्टेड रे। और उसी समय में कुछ पोर्शन क्या होगा, यहाँ से इधर में रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पोर्शन यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट होगा। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और ये हमारा है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कहेंगे अभी आप बताओ। ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर एन ऑर्डनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर ऐसा होता है देन द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एट पोलराइजिंग एंगल। यहाँ पे कंडीशन स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एंगल पर नहीं लाना है, एंगल को आप कम ज़्यादा करेंगे और करते करते एक समय ऐसा आएगा कि रिफ्लेक्टेड रे विल बी कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। हाँ, उस समय में रिफ्रैक्टेड रे है वो पार्शियली पोलराइज होता, वो कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं बताता। ठीक है, इसलिए हमारी हेडिंग पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन नहीं है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है, जो इसके पहले हमने देखा था। ठीक है, सो जिस एंगल पे, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग एंगल, जिसको हम P से बताते हैं। ठीक है, समझ लो कि ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R1, और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो बनता है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, यानी क्या कहेंगे कि इफ द ऑर्डनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पोलराइजिंग एंगल, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब म्यू, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। ये हमारा स्टेटमेंट था और इसको हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको लिखना भी शुरू करते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ पर अब, कंसिडर एंड ऑर्डनरी लाइट, एंड ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट, इज इंसिडेंट, ठीक है, ऑन द, इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द एंगल, एट द पोलराइजिंग एंगल, एट द पोलराइजिंग एंगल, और उस एंगल को हम देते नाम पी। ठीक है, चलो लेट क्या क्या कह लेंगे, R1 क्या है हमारा, R1 है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलेंगे इसको हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो R है, R को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और आपको बच्चों ये बात मालूम है, ठीक है, कि हमारे पास में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी पोलराइजिंग एंगल वो पी है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर है। आप इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के तीन लॉ में से एक लॉ ये है हमारे पास, पी इज इक्वल टू R1। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमको बताना तो ये है म्यूजिकल टू टैन पे, लेकिन एक स्पेशल चीज़ हमारे पास है, कौन सी, कि एट पोलराइजिंग एंगल रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी यहाँ पर इनके बीच में कितने का एंगल तैयार होगा, 90 का। जैसे मान लीजिए ये ए बी है, इसको सी नाम देता है, इसको डी, तो एंगल सी बी डी कितना होगा हमारा, 90 डिग्री। वो थोड़ा स्पेशली लिख देते, यानी एट पोलराइजिंग एंगल, क्या बोलेंगे, एट पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, क्या कहेंगे हम यहाँ पर, आप लिख सकते हैं नीचे में, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड
रे, आप ऐसा यहाँ पर बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि एंगल जो है CBD, एंगल CBD विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप क्या करो, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम फिगर में हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, फ्रॉम फिगर। अब फ्रॉम फिगर देखिए, एंगल R1, एंगल CBD और एंगल R, ये तीनों मिलाकर कितना होगा 180, क्योंकि देखो ये एक लाइन पर तैयार हो रहे, लीनियर पेयर है, ठीक है। यानी क्या होगा, एंगल R1 प्लस एंगल CBD प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि शॉर्ट में लिखता हूँ लीनियर पेयर एंगल, आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, ये R1 तो है, ये CBD अभी थोड़ी देर पहले निकला 90 है, प्लस R इज इक्वल टू 180। अब आप यहाँ से मैं R को डायरेक्ट निकालता हूँ, देखो 90 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, तो 180 माइनस 90 और ये R1 भी उधर डाल दो, ठीक है। इसलिए R इज इक्वल टू क्या होगा, 180 में से 90 गया तो 90 माइनस R1, दिस इज इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हमको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके द्वारा नहीं ले सकते, क्योंकि यही प्रूव करना है। तो लेकिन इसके पहले हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देखा था, ठीक है, तो वहाँ पे स्नेल्स लॉ है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर बाय स्नेल्स लॉ, उससे तो जा सकते ना हम, बाय स्नेल्स लॉ। चलो बताओ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, क्या फार्मूला है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर है, लेकिन आई की जगह पे क्या लेंगे हम, पी लेंगे, और अपॉन साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू, ऊपर में तो हमारे पास क्या है, साइन पी है, ठीक है, नीचे में आप देखो साइन आर है, लेकिन इस आर के जगह पे वी कैन प्लेस 90 माइनस R1 हो जाएगा, तो कहाँ से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर है हमारे पास क्या, इक्वेशन टू। दूसरी बात आप इसको देखते जाओ, म्यू इज इक्वल टू ये साइन पी है अपॉन साइन ये 90 माइनस R1, देखो तो ये R1 भी क्या हो जाएगा, पी, ये कहाँ से रखेंगे हम, फ्रॉम 1, हर एक चीज़ हमारे पास तय है। अब आप देखो भला म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइन पी अपॉन साइन 90 माइनस पी का मतलब क्या है, कॉस पी, यस, यानी म्यू इज इक्वल टू साइन पी अपॉन कॉस पी का मतलब होता है टैन पी, यानी इस तरह से हमारे पास में म्यू इज इक्वल टू टैन पी आता है, एच पी यानी हेंस प्रूव्ड, यानी लिखा तो भी चल जाता, ठीक है। सो ये इस प्रकार से हमारे पास जो रिलेशन होता है, जो ब्रूस्टर्स लॉ है, दैट इज प्रूव्ड, इस तरह से हमको प्रूव करना होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात ये है, यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ, एक हमारे पास में है ब्रूस्टर्स लॉ BL, एक यहाँ पर दिख रहा है मुझे SEL यानी स्नेल्स लॉ, और यहाँ पे एक मेन पॉइंट है पोलराइजिंग एंगल, ठीक है, पोलराइजिंग एंगल की बात करते हैं। ये तीन चीज़ें इसमें से देखो, हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना था, ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है, यानी BL प्रूव करना था, तो हमने किसका इस्तेमाल किया, इन दोनों का। अब सोचो भला अगर हो सकता है उसने कभी कभी आपको ये पूछ लिया क्या कि प्रूव दैट एट पोलराइजिंग एंगल रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब आपको अगर मान लीजिए, ठीक है, उसने क्या किया कि पोलराइजिंग एंगल पे रिफ्लेक्ट ये चीज़ पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या बताना है परपेंडिकुलर, तो हमें किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रूस्टर्स लॉ और SEL यानी स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, इसके लिए क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास नया क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है कि प्रूव दैट एट पोलराइजिंग एंगल, क्या बोलेंगे हम, एट पोलराइजिंग एंगल द रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मान लीजिए किसी ने हमको ये कहा कि ये आपको प्रूव करना है, यानी ये जो पॉइंट लिखा ना, ये जो स्टार पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या एट पोलराइजिंग एंगल रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड रे, ये शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ब्रूस्टर्स लॉ यानी म्यू इज इक्वल टू टैन पी और स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन पी अपॉन साइन आर, इसका इस्तेमाल करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन बच्चों ध्यान दो, ये जो प्रूव करना है पोलराइजिंग एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से मिलने वाला है, यानी ये डायग्राम आपकी वैसी ही यहाँ आने वाली है, ठीक है। अब कैसा ना कि मुझे थोड़ी सी जगह कम मिलेंगी और बार बार डायग्राम भी निकालने पड़ेंगे, तो एक काम करो मैं डायग्राम का ये वर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ, आपको सेम डायग्राम यहाँ पर शब्द डाल देता हूँ मैं, सेम डायग्राम आपको यहाँ पर निकालनी है। उसके बाद यहाँ से इतना पोर्शन इक्वेशन वन तक वैसा ही लिखते 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 भी आना है, यानी P इज इक्वल टू आर वन ये इक्वेशन फर्स्ट, कारण लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ रिफ्लेक्शन यहाँ तक आप लिखते समय ध्यान दो जरा सा, आपके पास समय भी होगा, डायग्राम सेम निकालनी है, ये यहाँ से इतना पोर्शन जैसे का तैसा लिखना है, लेकिन ये नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अभी हमको यही क्या करना है, प्रूव करना है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे हमको क्या बताना है, परपेंडिकुलर बताना है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, हम ब्रूस्टर्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, रहेगा ध्यान में। तो डायग्राम वही, यहाँ से इतना P इज इक्वल टू आर वन तक ये पोर्शन एज इट इज लगे, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या है। कंसिडर एन ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द सेम सॉरी एट द पोलराइजिंग एंगल P, लेट आर वन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड P इज इक्वल टू आर वन फर्स्ट इक्वेशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ से इसको भूल के नया चालू करते हैं। सो हम बोलेंगे यहाँ पे बाय ब्रूस्टर्स लॉ, क्या बोलेंगे, बाय ब्रूस्टर्स लॉ, क्या कहता ब्रूस्टर्स लॉ, ये ब्रूस्टर्स लॉ है जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है, म्यू इज इक्वल टू टैन पी, इक्वेशन समझो ये सेकेंड क्योंकि फर्स्ट हो गया। अब बाय स्नेल्स लॉ, क्या बोलेंगे, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हम देखते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कौन सा होगा, पी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पी डालता हूँ और साइन आर, आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा, इसको नाम देते इक्वेशन थर्ड। अब आप देखो सेकेंड और थर्ड से देखो, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, अब इसको बराबर लीजिए, देखो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी हुए, लेफ्ट हैंड साइड में भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होंगे, मतलब टैन पी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन पी अपॉन साइन आर। अब टैन पी का मतलब क्या होता है, साइन पी अपॉन कॉस पी इज इक्वल टू साइन पी अपॉन यहाँ पर होगा साइन आर, देखो ऊपर में साइन पी कैंसिल होगा, कुछ नहीं तो वन बचेगा, ध्यान में रखो, ठीक है, इज इक्वल टू वन अपॉन साइन आर। अब क्रॉस करो तो क्या होगा, साइन आर बन जा साइन आर और कॉस पी बन जा कॉस पी, ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं साइन आर तो है, कॉस गया रे गया, आपको मालूम है साइन आया रे आया, साथ में 90 माइनस ऐसा होगा, दोनों तरफ में साइन ये वर्ड है हटा दो, यानी आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू सिंपल 90 माइनस पी होगा, मतलब आर इज इक्वल टू 90 माइनस पी। अब देखो पी के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, आर वन, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आर वन को इधर भेज दो तो आर प्लस आर वन इज इक्वल टू 90, इक्वेशन फोर हो जाएगा। अब हमको करना क्या था, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को परपेंडिकुलर बताना है। थोड़ा सा फिर से डायग्राम पे देखो, यही पे डायग्राम है लेकिन मैं ये लेता हूँ, तो ये आर वन ये, हाँ लेकिन एक बात, अभी जब दूसरी डायग्राम निकालेंगे ना तो दूसरी डायग्राम में ये 90 का साइन देना नहीं, क्योंकि वही तो प्रूव करना है ना, परपेंडिकुलर ही तो लाना है, ठीक है, तो ये यहाँ पे मत लिखना, ठीक है। तो एंगल सी बी डी और एंगल आर, ये तीनों का क्या हुआ था, देखो लीनियर पेयर एंगल, यानी क्या बोलेंगे आप, नाउ क्या बोलेंगे बताओ, आर वन प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या, 180, कारण फिर से लीनियर पेयर्ड एंगल्स, ठीक है। अब ये R और ये R1, R प्लस R1 ले लो, R प्लस R1 और ये एंगल है सी बी डी इज इक्वल टू 180। अभी देखो R प्लस R1 की वैल्यू कितनी है, 90, सो 90 प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180, कहाँ से रखा, तो आप बोलेंगे सर फ्रॉम 4। अब 90 को ट्रांसफ़र करो तो सी बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इसलिए एंगल सी बी डी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 90। अच्छा एंगल सी बी डी 90 आने का मतलब क्या है, एंगल सी बी डी देखो किसके बीच में है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, यानी यहाँ पर बोलेंगे सो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
प्रूफ हो जाएगा कि जो आपको पूछा गया था जो क्वेश्चन है, यानी एक ही चीज़ है उसके ऊपर हमारे पास में दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए गए हैं। सो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस बार बार कह रहा हूँ कि डायग्राम से लेकर यहाँ तक का पार्ट हमारा पूरा सेम रहने वाला है, वो ध्यान में रखो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ब्रूस्टर्स लॉ एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे का परपेंडिकुलर होना, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।